लग रहा है फुस। भाई लोगों, पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको दिखाया था अपना 5,000 रुपए का दिवाली स्टैंड, जिसके अंदर से छोटे से लेके बड़े तक हर तरह के पटाखे। तो आज हम अपने उसी दिवाली स्टैंड की टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे हमारा कौन सा पटाखा कितनी धूम मचाता है। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और हम फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो भाई, हमारे सारे पटाखे यहाँ पर रखे हुए, तो उनमें से जो पहला पटाखा हम टेस्ट करेंगे वो है हमारा ये अन्नम डीलर्स का कलर मैचेस। तो इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो भाई, इसके अंदर भी कुछ इस तरह की छोटी डिब्बियां निकलती हैं, और जब हम इनको ओपन करते हैं तो इसके अंदर से निकली ये छोटी सी पॉलीथीन, और इसके अंदर भाई है माचिस की फुलझड़ियां। इस पे रगड़ने और फिर देखिएगा कमाल। भाई इधर ले लेना, नहीं तो हमें पटाखे जल सकते हैं। देखिएगा, ओ ये, ओ वाह, हैप्पी दिवाली। एक और एक और एक और, ये देखिए भाई, थोड़ा सा ही जलती है लेकिन भाई मस्त है एकदम। ये देखो कितना प्यारा तरीके से जल रही है ये। तो हमारा अगला पटाखा है ये। अब ये क्या है मुझे नहीं पता, इसे टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा। चलिए टेस्ट करते हैं। तो अब टेस्टिंग की बारी हमारी इस गन की और इस मिसाइल की। तो सबसे पहले तो इस गन के अंदर डालते हैं सोनी का पत्ता। तो ये दिखा देता हूं मैं आपको किस तरह, इसे रिंग कैप भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसको निकालते हैं, उसके बाद अपनी गन को यहाँ से कुछ इस तरीके से खोलते हैं, घोड़े के अंदर डाल देते हैं इसको। ये डाला, उसके बाद इसको ऐसे एक बार, अबे हाँ चला दिया। अब पहले इसको ऐसे चला कर एक बार टेस्ट करते हैं। ओ, ये इस तरीके की कुछ मिसाइल है हमारे पास। तो इसमें से एक दो निकाल लेता हूँ पहले, तो ये दो पीस निकाल लेता हूँ, बाकी रख देता हूँ मैं साइड में। और उसके बाद एक मिसाइल को सिंपली हमें इसके अंदर कुछ इस तरीके से डाल देना। ये हमने डाला, और डालने के बाद अब चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अब टेस्टिंग करेंगे हम अपने पानी बॉम्ब की। तो इसके अंदर ढेर सारे पानी बॉम्ब, 10 पैकेट हैं पूरे, जिसको माचिस बॉम्ब भी बोलते हैं। तो इस डब्बे को खोलने पर इसके अंदर से निकलते हैं कुछ इस तरीके के छोटे छोटे से पटाखे। और अब एक को, ये जो येलो वाली साइड है, इसको हमें इसी स्ट्राइकर के ऊपर घिसना होता है। देखिएगा, ओ हम इसको इधर डाल देते हैं, दिखाओ जी भाई। भाई पहला तो यार ये फुस। तो अभी यार इसका नाम जैसा कि पानी बॉम्ब भी है, तो इसको एक बार पानी में ट्राई करते हैं। तो ये रहा बॉम्ब, घिसते हैं इसको इस पे, धुआं निकल ले। देखो भाई, पानी के अंदर भी दिखता है तो चट एकदम। तो अब अगले पटाखे की ओर बढ़ते हैं। तो भाई, अब हमारे जो अगला पटाखा है ना, वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक और तेज आवाज वाला है। तो वो है ये सरकार का बॉम्ब। और भाई, ये जो सूतली बॉम्ब है ना, बहुत खतरनाक है, काफी ज्यादा बड़ा गोल मटोल एकदम। तो अब इसको ट्राई करते हैं, चलो फिर। तो भाई, बॉम्ब के बाद अब टेस्ट करते हैं अपने इस रॉकेट को। तो इसके अंदर हमारे पास छोटे साइज के रॉकेट। ओह, अरे भाई भाई, इतना ज्यादा ऊपर चला गया था ये, मतलब जितना छोटा था उस हिसाब से भाई बहुत ऊपर गया ये रॉकेट। तो अब अगली चीज जो हम ट्राई करेंगे वो है एक क्रेजी पॉप। तो इसके अंदर देखते हैं क्या है। ओ, ये छोटे वाले पटाखे, इसमें जो इसको जलाएंगे चट 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 आवाज आएंगी। चलो ट्राई करते हैं। तो एक बार फिर से हमारे पास यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पटाखा। तो इसको ओपन करते हैं। ये है ब्लास्टर, इसके अंदर भाई ये शॉटगन की जो बुलेट होती है ना, कुछ उस तरीके से बॉम्ब है। चलो इसे ट्राई करते हैं। तो भाई, ये बॉम्ब भी ठीक ठाक दगा था, लेकिन जितना हमने सोचा था आवाज करेगा उससे थोड़ा सा कम ही लाउड था। तो ये थोड़ा सा यार कम मजा आया इसमें, लेकिन अब मजा आएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये कलर कोटी अनार, काफी ज्यादा बड़े साइज के इसके अंदर अनार है, ये देखो। तो अब इसको टेस्ट करेंगे और देखते हैं ये किस तरीके से जलते हैं। चलिए, भाई साहब, यार ये अनार तो भाई बहुत देर तक जला, मतलब काफी टाइम तक ये पैसा वसूल अनार था भाई, लंबा जला था। ऊंचा तो ठीक ठाक गया ही था, लेकिन उसके साथ ही साथ काफी देर तक जला, जो कि हमें चाहिए था। बढ़िया भाई, अब ट्राई करने की बारी हमारे इस बड़े साइज के रॉकेट की। चलो इसे ट्राई करते हैं। और भाई, जो छोटा वाला रॉकेट ट्राई किया था वो बहुत ऊपर गया था, 50-60 फुट। तो इससे तो बहुत ज्यादा उम्मीद है, चलो देखते हैं कितना ज्यादा जाता है ये। आ जाओ, ओ भाई, सच में यार जितनी उम्मीद थी ना, उससे भी ज्यादा ऊपर गया ये कम से कम भाई, नहीं तो 150 से 200 फीट तक ऊपर गया। तो बहुत ऊपर गया भाई, और मतलब जाता ही जा रहा था, फिर थोड़ी देर आसमान में जला और उसके बाद बम, मस्त था।
अभी एक दो चीजें बची हैं, उसके बाद बहुत तगड़ी, इससे भी तगड़ी चीज है हमारे पास। चलो तो भाई, अभी थोड़ा बहुत रात हो चुकी, तो अब हम ट्राई करेंगे अपने डीलक्स चक्कर को। इसके अंदर दिवाली चक्रियां थोड़ा बड़े साइज वाली, ये देखिए, तो इसको ट्राई करते हैं। आइए। ओ भाई, ये तो रुक ही नहीं रही थी, बहुत देर तक नाची, उसके बावजूद भी जब ये जमीन में चली गई ना, तब फंसी जाके थोड़ा रुकी बीच में, उसके बाद फिर से जब पावर थोड़ा सा मिली तो फिर वहां पे भी नाचने लगी। फाइनली भाई, हम वीडियो के एंडिंग पर आ चुके हैं और अब हम ट्राई करेंगे अपना सबसे ज्यादा कमाल धमाल बेमिसाल प्रोडक्ट। तो ये है हमारा भाई स्काई शॉट, देख सकते हो काफी ज्यादा बड़े साइज के 3 स्काई शॉट हैं इसमें, तो एक अभी हम आपको ट्राई करके दिखाने वाले हैं। आ जाओ भाई। तो अपने स्काई शॉट को सही तरीके से चलाने के लिए इसके साथ हमें मिल जाता है ये स्टैंड, जो कि हम इसको कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं, और जब हम इसको ब्रश से रखेंगे तो एकदम सीधा रहेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। तो ठीक है, बाग लगाएंगे इसमें हम लोग। 3, 2, 1 शॉट जल चुके। ओ ये भाई बहुत तगड़ा गया था, एकदम एक नंबर। तो इसी के साथ हमारे इस जो ये दिवाली टेस्ट की टेस्टिंग थी वो खत्म होती है। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी ऐसी और भी बहुत ज्यादा मजेदार कमाल की दिवाली से रिलेटेड वीडियो आने वाली हैं। और हाँ, अगर आपके दिमाग में कोई खुराफाती आइडिया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना भाई, वीडियो जल्द से जल्द आ जाएगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।